شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعد आज इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के 22वें क़याम की निस्बत से कुरान हकीम के 22वें पारे से चंद एक बातें ज़िक्र की जाएंगी। पहली बात सूरह अल अहज़ाब की 33 नंबर की आयत के हवाले से ज़िक्र की जा रही है और इसमें अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात यानी पाक बीवियों को 6 बातों का हुक्म दे रहा है और ये 6 बातें खिताब के एतबार से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां हैं, लेकिन चूँकि तमाम मोमिनों की बीवियां औरतें उस हुक्म के ताबे हैं लिहाजा ये हुक्म हैं वज़कुर नमा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। तुम जिक्र करती रहो अपने घरों में किन चीज़ों का, जो तिलावत की जाती हैं अल्लाह की आयात और हिकमत। अल्लाह की आयात और हिकमत ये दोनों चीज़ें जो तुम्हारे घर में तिलावत की जाती है पढ़ी जाती उसको जिक्र करती रहो, ये पहला हुक्म है। इससे ये मालूम हुआ, अच्छा आयात से मुराद कुरान हकीम है और हिकमत से मुराद सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है। इससे मालूम हुआ कि औरतों को घर में तालीम का नज़्म करना चाहिए ख़वातीन को, और उसमें कुरान हकीम की तिलावत होनी चाहिए और उसके मानी को भी समझना चाहिए, साथ ही साथ अहादीस की किताबें भी होनी चाहिए और अहादीस का भी मुताला होना चाहिए। ये पहली बात है ख़वातीन के लिए, इसलिए अपने मुताले में अपने तालीम में एक कुरान हकीम की एक आयत भी रखें और एक हदीस भी रोज़ाना पढ़ा करें, ये ख़वातीन के लिए पहला हुक्म। फिर फरमाया वक़र नफ़ी बुयूतिकुन्ना वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयतिल्लाहि वल हिकमा वल हिकमा। उसके बाद फरमाया वक़र नफ़ी बुयूतिकुन्ना, और फिर अपने घर में ही ठहरी रहो। घर में ठहरी रहने का माना यह है कि बग़ैर किसी हाजत के घर से यूं ही बाहर ना निकला करें, ये बात है। तो इस हुक्म पर मोमिनों की औरतों को और बीवियों को ये बताया जा रहा है कि उनका ज़्यादातर वक्त घर में गुज़रे बग़ैर किसी हाजत के यूं ही बाहर ना निकला करें, और सारी एनर्जी सारी ताकत बच्चों की तरबियत पर सर्फ करें। चूँकि औरतों की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसलिए ख़वातीन को माओ बहनों को अल्लाह ताला ने बाहर की सारी उलझनों से दूर रख के उन्हें घर के अंदर रखा है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जो बच्चे हैं उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। बच्चों के साथ ज़्यादातर वक्त आम तौर पर कौन गुजारता है? माएँ गुजारती। चूँकि मर्द जो होता है वो माश की तलाश की वजह से बहुत सारा वक्त उसका बाहर निकलता है, हालांकि ज़िम्मेदारी दोनों की है, ये याद रखें। इसमें कोई भी तफरीक नहीं रखी गई है कि खातून ये कहे मेरी ज़िम्मेदारी नहीं या मर्द ये कहे मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, दोनों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है बच्चों की तरबियत। अलबत्ता चूँकि माएँ ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ गुजारती हैं इस वजह से उनका जिक्र यहाँ किया गया है। मर चूँकि उनकी किफालत की वजह से उनके देखभाल उनके खाने पीने के नज़्म की वजह से वो बाहर निकला हुआ है, तो जब तक वो बाहर है फिर किसकी ज़िम्मेदारी है? माओ की ज़िम्मेदारी है। फिर वो घर आ जाएगा तो दोनों की ज़िम्मेदारी है, वो निगरानी रखेगा गाइड करेगा, लेकिन सारी तरबियत के जो अहम अहम हिस्से हैं या जो ज़्यादातर चूँकि वो गुजार रही है इसलिए वो रखेगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए हुक्म के एतबार से दोनों यानी मर्द
और खातून, शोहर और बीवी दोनों जिम्मेदार हैं, माँ और बाप दोनों। इसमें बहुत सारे मसाइल ख़ानदानी उलझ जाते हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो कहता है, खातून कहती है, माँ कहती है, बीवी कहती है मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, और मर्द कहता है मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। लेकिन याद रखिए, दोनों से सवाल होने वाला है, ये बात है। तो घर में रहें, घर में रहने की जो हिकमत है वो यही है। और नस्ल की तरबियत, बच्चों की तरबियत, ये एक दिन का काम नहीं है, और इसके जो असरात हैं वो भी एक दिन के नहीं है बल्कि सदियों के हैं। तो एक बच्चे की सही तरबियत गोया नस्लों की सही तरबियत है, गोया नस्लों की तरबियत है। इसलिए ये कहा गया कि तुम घर में ठहरी रहो, बगैर किसी हाजत के, बगैर किसी इमरजेंसी ज़रूरत के बाहर नहीं निकला करो। ये औरतों को समझना चाहिए। और ये जो हुक्म है, इसके बारे में मोहम्मद अमीन शनकीती रहमतुल्लाह कहते हैं कि औरत का अपने घर में रहना और बाहर बिला ज़रूरत के ना निकलना, ये बेहतरीन सिफत में से एक सिफत है औरत की। जो औरत बग़ैर किसी हाजत और ज़रूरत के खामखा घर से बाहर इधर उधर निकलती है, वो अच्छी सिफात वाली नहीं, अच्छी सिफत वाली नहीं है कुरान हकीम के मुताबिक। माशरे में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं, कुरान हकीम के मुताबिक वो बेहतरीन सिफात वाली नहीं है, बगैर किसी ज़रूरत के बाहर निकलती, ज़रूरत है तो उससे मना नहीं। ये दूसरा हुक्म हो गया, घरों में ठहरी रहो, ये कुरान का हुक्म है। दूसरी चीज़, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, और औरतों को तीसरा हुक्म ये दिया गया कि तुम पहले की जो जाहिलियत की बनाओ सिंगार है उसको, उसका इजहार मत करो। तबर्रुज किसको कहा जाता है, एक खातून की जो कुछ भी जीनत की जगह है, जो खूबसूरती की जगह है, उसमें जेवरात पहनने वाली जो जगह है ना, चेहरा है, जेवरात पहनने वाली जगह, वो सारी चीज़ों का इजहार नहीं करना है बाहर निकल के। अब इसका बहुत सारा माना है। जाहिलियत उला, पहली जाहिलियत के तबर्रुज यानी जीनत बनाओ सिंगार क्या होता था, उसके बहुत सारे माने हैं। उसका एक मानी यह है कि बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर अपनी जीनत को छुपाए बाहर निकल जाना। एक माना यह है कि इस तरह चलना कि जैसे माइल करने वाली चाल हो, दूसरों को अट्रैक्ट करने वाली चाल हो, इस तरह नहीं चलना। और एक माना हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने बयान किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह कहते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान दो नस्लें आबाद, ये उनकी दो नस्लें आबाद हैं, आबाद थीं। एक नस्ल कहाँ रहती थी, पहाड़ पर रहती थी, और एक नस्ल कहाँ रहती थी, ज़मीन पर, यानी निचली ज़मीन पर रहती थी, और एक पहाड़ पर रहती थी। पहाड़ पर जो लोग रहते थे उनके बारे में कहते हैं कि वहाँ की जो औरतें थी वो सियाह फाम थी, यानी सियाह कलर की, सियाह फाम यानी उनका रंग काला था, और जो मर्द थे वो बड़े खूबसूरत थे, खुश शक्ल थे। और जो नस्लें इनकी ज़मीन पर आबाद, निचली ज़मीन, नरम ज़मीन पर आबाद थी, पहाड़ सख्त ज़मीन होती और ज़मीन जो नीची है वो नरम ज़मीन, तो यहाँ के जो लोग थे उनकी औरतें खुश शक्ल थी और मर्द सांवले कलर के थे, यानी ये इतने खूबसूरत खुश शक्ल नहीं थे। दोनों में फ़र्क समझ में आया, पहाड़ वाले उसमें औरतें खूबसूरत यानी सियाह फाम थी, तो जो पसंद नहीं की जाती थी, और मर्द अच्छी शक्ल वाले थे, और ज़मीन पर जो नीचे रहते थे उनमें औरतें खूबसूरत थी, खुश शक्ल थी, लेकिन मर्द सांवले थे जो पसंद नहीं किए जाते थे। बहरहाल ये दोनों नस्लें आबाद थी। अब कहते हैं कि शैतान जो नीची ज़मीन में जो लोग रहते थे उनके पास आया, और किस शक्ल में आया, एक गुलाम की शक्ल में आ गया और एक आदमी के यहाँ उजरत पर रहने लगा, काम करने लगा। शैतान एक गुलाम की शक्ल में आया, पहले गुलाम का सिस्टम चलता था, गुलाम को रख लिया और उसको उजरत पर काम पर रख लिया। अब उसने क्या किया, देखिए किस तरह से बात है वो देखिए। शैतान ने फिर एक बांसुरी टाइप की कोई चीज़ बनाई जिसमें खुश आवाज़ निकलती है, म्यूज़िक जैसी आवाज़, और उसको बजाना शुरू किया। जब बजाना शुरू किया तो लोग भीड़ की शक्ल में इकट्ठा हो गया। अब लोग जमा होते, वो सुनाता तो लोग सुनते और उसमें मस्त हो जाते। अब जब मस्त हो जाते तो रोज़ भीड़ लगती, रोज़ भीड़ लगती, तो लोगों ने कहा इतनी भीड़ कैसे बर्दाश्त करेंगे, एक दिन मुकर्रर कर लेते हैं फिर आप सुनाइएगा हम सुनेंगे, ठीक है। चुनांचा ऐसे ही हुआ, एक दिन मुकर्रर, मेले का एक दिन मुकर्रर कर दिया कि मेला लगेगा और वहाँ पर ये म्यूज़िक और ये बांसुरी सुनाई जाएगी। इस तरह से लोग आने लगे।
अब हुआ क्या, एक आदमी इसी मेले में से कहाँ चला गया, अब ये ज़मीन पर हो रहा था जहाँ नीचे नर्म ज़मीन है, वहाँ से एक आदमी गया किधर, पहाड़ पर रहने वालों के पास, और वहाँ जाके बताया नहीं। जब बहुत सारा चर्चे उठे ना, तो जो पहाड़ वाले थे उसमें से एक आदमी यहाँ आ गया इस मेले में, और मेले में जब ये आया तो इनको मालूम था कि हमारे यहाँ की औरतें क्या है, सियाफाम है, और मर्द खुश शक्ल है, खुश शक्ल अच्छे हैं। तो यहाँ जब मेले में देखा कि सब है मर्द औरतें जमा है, तो इसकी नज़र किस पर पड़ गई, इन यहाँ की खूबसूरत औरतों पर। अब ये गया वहाँ पर, और वहाँ जाकर ये औरतों के हुस्न जमाल को वहाँ बयान कर रहा है कि वहाँ की औरतें बड़ी खूबसूरत थी। अब ये जब सुनना था, अब शैतान देखिए किसके ज़रिए से सारी चीज़ें लेकर आए, वहाँ के सारे मर्द हजरात इधर आने लगे इस ज़मीन नर्म ज़मीन पर, और फिर इस तरह से मर्द व जन का इख्तलात हुआ, यहाँ की औरतें हैं वहाँ के मर्द हैं, इस तरह से मिलकर ये मेले में शरीक होने लगे, जिसकी वजह से फिर मर्द व जन का जो इख्तलात हुआ, और इस मिलाद की वजह से जिनाकारी फैली, बदकारी फैली, और इसी को अल्लाह ताला ने मना किया, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। ये जो जाहिलियत उला है ना, यानी नूह और इदरील इस्लाम की जो दो नस्लें आबाद थी, ये पहली पुरानी जाहिलियत है। तो कहते हैं वो जो बांसुरी के ज़रिए जो जेब व जीनत को लोगों के उभारा और औरतों को बाहर घर के लाया, और इसकी वजह से जिनाकारी बदकारी फैली, इसी से अल्लाह ने मना किया कि उस तरह मत बनो। समझ में आई बात? तो ये म्यूज़िक जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इसके ज़रिए ही इंसान बेहया होता, याद रखिए। म्यूज़िक सुनने वाले की हया धीरे धीरे ख़त्म होती, और आज की रिसर्च ये बताती है कि जो शैतान के पुजारी हैं ना, शैतान को पूजने वाले लोग दुनिया में रहते हैं, उनका ये कहना है कि हम शैतान की इबादत को सारी दुनिया को लगाएंगे, सारी दुनिया को हम शैतान की इबादत में लगाएंगे, उसकी पूजा पे लगाएंगे। पूछने वाले ने पूछा कैसे करेंगे आप? कहा हमारे पास एक हथियार है शैतान का दिया, वो क्या है? उन्होंने ये कहा म्यूज़िक, म्यूज़िक। और ऐसी सी आवाज़ें उन लोग जनरेट कर रहे हैं, ऐसी सी आवाज़ें तैयार कर रहे हैं जो वाकई में इंसान को इस अंदाज से उसके दिल को, उसके ज़हन व दिमाग को मुतासिर कर रही है कि वो खुद आमादा हो रहा है शैतान की इबादत। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से म्यूज़िक को निकाल दो, ख़त्म कर दो, जितना मुमकिन हो सके म्यूज़िक सुनने से किसी भी किस्म की हो बचने की कोशिश करो। तो ये तीसरा हुक्म क्या दिया गया था औरतों को, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। तो हमने जाहिलियत उला के तबर्रुज क्या था, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल से हमने बता दिया। फिर चौथा हुक्म दिया वाक़िमनस्सला, चौथी जिम्मेदारी औरत की ये है कि वो घर पर सलात कायम करेगी, यानी पंच वक्त नमाज की पाबंदी करेगी। ये हुक्म है कुरान का, जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं उनके गौर करना चाहिए। उसके बाद पांचवा हुक्म दिया वो आतीन ज़का, सदका व खैरात करें। और उसके बाद फरमाया, ये पांचवा हो गया, और छठा हुक्म फरमाया व आतीन अल्लाह व रसूल, सबका निचोड़ ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, उनका कहना माने, उससे आगे ना बढ़े। ये पहली बात हमने जिक्र की। दूसरी बात, इसी सूरह में सूरह अलअज़ाब की 56 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बिला शुबा अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते ये नबी पर दरूद भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सलात भेजते हैं। अल्लाह भी सलात भेजता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फरिश्ते भी सलात भेजते हैं, दरूद जिसको हम कहते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह के सलात भेजने में फ़र्क है और फरिश्तों का सलात भेजने में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अल्लाह जब सलात भेजता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसका माना ये होता है अल्लाह रहमतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है। ठीक है, रहमतें नाजिल करता है, ये माना होता है कि कोई मिला ना दे। और दूसरा, जब फरिश्ते सलात भेजते हैं नबी पर, उसका माना ये होता है फरिश्ते दुआ करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की। बात समझ में आई? कोई इसको मिला ना दे। ठीक है, इसी से कुछ लोग जो है यही साबित करते हैं कि अल्लाह किसी पर दुरूद भेजे तो वो बड़ा हुआ कि अल्लाह बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, इस तरह से लोग शुबे में डालते हैं, याद रखें। अब यहाँ पर सीखने की चीज़ ये है कि उलमा ये कहते हैं कि जब जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म दे, और हुक्म देने के बाद अपने आप से शुरू करें पहले कि ये काम मैं भी करता हूँ,
तो याद रखें कि वो मामला बहुत बड़ा है। अब अल्लाह ताला ने मोमिनों को किसका हुक्म दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का, या इन्नल्लाहु मलाइकतु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि तुम ईमान वालों तुम भी अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो, है ना। तो दरूद और सलाम का हुक्म तो दिया, लेकिन उससे पहले क्या कहा कि ये काम कौन करता है? रब्बुल आलमीन की जानिब से भी होता है और फरिश्तों की जानिब से भी होता है। तो अल्लाह ने अपने से शुरू करने का जब ये जो जिक्र किया है, इसका माना यह है कि ये दरूद भेजना बहुत अजीम इबादत है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सबसे अफजल तरीन जो इबादत है इबादतों में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है। क्यों? इसलिए कि इसका इस इबादत को अल्लाह ने अपने साथ जिक्र किया है। हालांकि अल्लाह की वो इबादत नहीं, याद रखिए वो बता दिया उसका माना कि अल्लाह इबादत नहीं करता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ठीक है, अल्लाह माबूद है वो आबिद नहीं है, लेकिन इसका हुक्म देने के लिए अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की है। इसलिए दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए, बहुत अजीम इबादत है। इसी वजह से दरूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दरूद पढ़ने से इंसान का हुमूम जो होता है, फिक्रमंदी जो होती है वो ख़त्म होती है। किस वजह से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से नहीं है, ये अल्लाह का, चूँकि अल्लाह ने इससे शुरू किया है कि अल्लाह भी दरूद भेजते, इसकी वजह से है वो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो बाबरकत है ही। ये हो गई बात उसी। उसके बाद तीसरी बात जो इसी सूरह में, सूरह अज़ाब की 61 नंबर की आयत में है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया और फरमाया या अय्युहन नबी, ऐ नबी कुल, कहिए, हुक्म दीजिए, लि अज़वाज का, अपनी अज़वाज मुतहरात को, पाक बीवियों को, व बनात का, अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मोमिन की औरतों को। तीन लोगों को हुक्म देना है, किसको? अपनी बीवियों को पहले नंबर पर, फिर बेटियों को दूसरे नंबर पर, फिर मोमिना औरतों को, मोमिनों की बीवियों को। क्या हुक्म दिए? युदनीना, वो ढक लें, अलैहिन, अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन्ना, चादर ढक लें, ठीक है। ये आयत हो गई। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इसकी तफसीर में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें मोमिनों की औरतों को ये हुक्म दिया है कि जब वो घर से निकलें, कब? घर से जब निकलें किसी ज़रूरत की वजह से, आई युगत तीना, तो क्या हुक्म दिया है कि वो अपने चेहरों को ढक ले, मिन फौ की रूह, अपने सरों के ऊपर से, अपने सरों के ऊपर से, और किससे ढकना है? बिल जलाबीब, जिसको जलाबीब यहाँ कहा गया है, जिलबाब से ढक ले, जिलबाब। अभी जिलबाब क्या होता है बताएंगे। और बताया कि ये हुक्म दिया है कि वो युग दीन आयन वाहन, पूरा ढकने के बाद चेहरा ढक लिया ना पूरा, आँख भी ढक गई, तो कहा एक आँख ज़ाहिर करेंगे। हालांकि उलमा ने दो की इजाज़त दी है ताकि अच्छे से दिख सके रास्ते। ये है पर्दे का हुक्म, और चेहरे का पर्दा है। जो ये कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं है वो गलती पर है। सहाबी की तफसीर आपको मिल गई। हमारे असलाफ ने कहा कि चेहरे का पर्दा का हुक्म इसी आयत में दिया घर से निकलते वक्त, और पूरा ढकेंगी ऊपर से लेकर नीचे तक, और सिर्फ चेहरे में क्या खुलेगा? आँख, और इनके नज़दीक एक आँख खुलेगी, और ऐसा ही किया करती थी असलाफ की ख़वातें। लेकिन उलमा ने दोनों की भी इजाज़त दी ताकि अच्छी तरह नज़र आए, लेकिन उन्होंने कहा कि एक आँख ज़ाहिर करेगी। अब ये जो जिलबाब कहा गया इसको क्या कहा जाता है? तो अब्दुल्लाह इब्ने मसरूद, उबैदा, कतादा रहमतुल्लाह, हसन बसरी रहमतुल्लाह, इन तमाम की तफसीर जो इन्होंने की है, जिलबाब कहते हैं जिसको ढकने का हुक्म दिया गया है वो है अर्रिदा उफोकल खिमार, जो अंदर दुपट्टा पहनी है उसके ऊपर जो एक चादर है उसको कहा जाता है, उसके ऊपर जो चादर है उसको कहा जाता है जिलबाब, जिसका हुक्म यहाँ दिया गया है। आज बताइए क्या इस तरह का पर्दा हमारे माशरे में मौजूद है? आज पर्दा जो भी है उस पर्दे को भी पर्दे की ज़रूरत है। जो नकाब बुरका वो भी इस तरह का आ गया कि उसको भी छुपाने की ज़रूरत है, वो जीनत में आ गया। बहरहाल अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और इस तरह की चीज़ें अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। उसके बाद पाँचवीं चीज़, चौथी चीज़ जो इस आयत में है और उसको कहकर बात ख़त्म करेंगे, अल्लाह ताला ने सूरह अल फातिर की 32 नंबर आयत में फरमाया थुम्मा औरतनल किताब, फिर हमने किताब का वारिस अल्लादीन अस्तफ़ीना, उन्हें बनाया जिसको हम जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया है,
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, تو کچھ اس میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, اور کچھ بیچ میں درمیان میں رہنے والے ہیں, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کچھ اس میں سے ایسے ہیں جو خیرات میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کی اجازت سے, ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, اور یہی سب سے بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے, یہ سورہ فاطر کی 32 نمبر کی آیت ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو, انہیں جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو اسی کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, تفسیر الطبری میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ہم امت محمد, جن کو اللہ نے چنا ہے اپنی کتاب کی وراثت کے لیے, وہ کون ہے؟ ہم امت محمد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب جو اللہ نے نازل کی اس کا وارث بنایا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ قرآن حکیم میں سابقہ ساری کتابوں کی تعلیم موجود ہے نا, اور یہ اس امت کو ملی ہے. ٹھیک ہے, سابقہ تورات, زبور, انجیل, صوفے ابراہیم, صوفے موسیٰ, یہ جتنی ساری باتیں سب اس میں آئے گی نہیں ہے قرآن حکیم. تو اس طرح سے امت محمدیہ کیا ہے؟ وارث ہیں تمام آسمانی کتابوں کی. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ معلوم ہو گئی. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ اس میں ظالم ہے, یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ایک گروہ. دوسرا گروہ کیا؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد, کچھ درمیان میں رہنے والا ہے جس کو مقتصد کہا گیا ہے. اور تیسرا گروہ کیا ہے ان میں سے, وارثین میں سے؟ وہ ہے سابقٌ بالخیرات, خیرات میں آگے بڑھنے والا اللہ کی اجازت سے. اب ہم دیکھیں گے, پہلی بات تو ان کی یہ ہو گئی کہ یہ امت محمدیہ ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ جو ظالم ہے, جن کو اللہ نے اس میں ظالم لنفسی کہا ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو ان کی معافی ہو جائے گی, اللہ کبھی نہ کبھی انہیں معاف کر دے گا. جن کو مقتصد کہا ہے درمیان میں رہنے والے ہیں, ان کا اللہ رب العالمین حساب بڑی آسانی سے لے گا, ہلکا حساب لے گا ان کا. ٹھیک ہے, اور تیسرے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, یہ سابقٌ بالخیرات ہے, یعنی خیرات یعنی بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں, ان کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا, بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے, اب یہ تین گروہ کون سے ہیں وہ آپ ڈیفینیشن سمجھ لیں. جن کو یہ کہا گیا کہ ظالم لنفسی, اپنے نفس ظلم کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں اور محرمات کو کرتے ہیں, حرام کاری میں پڑے رہتے ہیں, اور جو واجبات ان پر ہیں, جو واجب و فرض چیزیں ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ کچھ نہیں, پوری نہیں, کچھ کچھ. اس لیے ان کو کیا کہا گیا ہے, یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا. تو جو لوگ واجبات کو ترک کرتے ہیں, کچھ چیزیں واجبات جو ان پر فرائض ہیں اس کو چھوڑتے رہتے ہیں اور ترک کرتے رہتے ہیں, اور جو حرام کاری ہے اس میں سے کچھ حرام کاریوں کو اپناتے رہتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ ظالم لنفسہ, اپنے نفس پر اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. اور ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ان کی بخشش کبھی نہ کبھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دوسرا جن کو مقتصد کہا ہے درمیان میں رہنے والے قرآن حکیم نے, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا قائم بالواجبات تارک للمحرمات, یہ اتنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی واجبات ہیں اس کو قائم رکھتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اپنی فرائض کو ادا کرتے رہتے ہیں, اور جو حرام کاری ہے اس سے بچتے رہتے ہیں, لیکن نفلوں کا اہتمام نہیں کرتے, نفلی عباداتیں وہ نہیں کرتے, جتنا ہے اتنا ہی کر رہے ہیں, ان کو مقتصد کہا گیا, درمیان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ ان کا حساب ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن تیسرا گروہ جو اس آیت میں بتایا گیا ہے 32 نمبر کی آیت میں سورہ فاطر کی, وہ ہے سابقٌ بالخیرات. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذی المؤدی للفرائض, جو فرائض ادا کرتے ہیں, فرض جتنی ہیں ان کے اوپر وہ ادا کرتے ہیں, المکثر من نوافل, لیکن ساتھ ہی ساتھ نوافل کثرت سے کرتے ہیں. نوافل سے مراد صرف نفلی نمازیں نہیں ہوتی, جب بھی ہم نوافل بولتے ہیں تو بس نماز کا تصور آتا ہے, نہیں, یاد رکھیں ہر عبادت میں, عبادت کی ہر قسموں میں کچھ فرض ہیں کچھ نفل ہیں, کچھ فرض ہیں کچھ نفل ہیں, بدنی عبادت میں ہو, مالی عبادت ہو, یا قلبی عبادت ہو, ہر کسی میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو جب بھی نفل کہا جائے اس میں ہر عبادتیں آتی ہیں, نمازیں نہیں آتی, یاد رکھیں نمازیں صرف نہیں آتی. تو بتایا کہ سابقٌ بالخیرات, خیرات میں بڑھائی میں آگے بڑھنے والے کون ہیں اللہ کی اجازت سے؟ وہ جو فرائض کما حقہ ادا کرتے رہتے ہیں, اور کثرت سے نوافل عبادت کا اہتمام بھی کرتے رہتے ہیں, اور محرم یعنی حرام چیزوں کو ایک دم سے ترک کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ مکروہات کو بھی چھوڑ کر رکھتے ہیں. جو ناپسند کی گئی ہے شریعت میں, حرام نہیں لیکن مکروہ ہے, ناپسند کی گئی, اس کو بھی ترک کرتے ہیں. یہ اعلیٰ لیول ہے, یہ
इसको साबिकुम बिल खैरात। इनके बारे में क्या फरमाया उन्होंने? इनके बारे में फरमाया इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर। गोया ये मालूम हुआ कि अगर हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है तो फ़राइज़ का अहतमाम बिल्कुल अकमल तरीके से करें जितने फ़र्ज हम पर हैं और जितने मुहर्रमात उनको छोड़ें, लेकिन साथ ही साथ फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल इबादतों का अहतमाम खूब खूब तर करें और हराम से बचने के साथ साथ जो मकरूहात हैं लायानी हैं उसको भी छोड़ कर रखें, उसके भी करीब ना जाएं। ये आला लेवल है, ये अगर करेंगे तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये लोग अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल करेंगे। ये तफसीर तबरी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का ये कौल नकल किया गया है। तो इस तरह से हमने चंद बातें 22वें पारे के हवाले से आप ज़ाती खिदमत में रखी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन तू हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक इनायत फरमा।